अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 7 का हमने सेकंड लेसन स्टार्ट किया हुआ था, उसका बकिया हिस्सा पढ़ते हैं। दी लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ सोसाइटी। लैम्प जलाने वाले जल्द ही मुआशरे का एक अहम और घरां कदर हिस्सा बन गए। दिस वॉज बिकॉज दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़। इसकी वजह यह थी कि वो अक्सर अपनी आबादियों में एक कलीदी फ़र्द की हैसियत हासिल कर जाते। दे वुड वॉक द सेम रूट ट्वाइस अ डे एंड एज दे चेक्ड क्लीन्ड फिक्स्ड लेटर पुट आउट द लाइट्स दे वुड नोटिस व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड देम। वो दिन में दो मरतबा एक ही रास्ते पर सफ़र करते और रोशनियों को चेक करने, साफ़ करने, मुरम्मत करने, रोशन करने या बुझाने के दौरान वो देखते जाते कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैनी लैम्प लाइटर्स हेल्प टू मेक देयर रूट सेफर। कई लैम्प जलाने वालों ने अपने रास्तों को मज़ीद महफूज बनाने में मुआवनत की। देयर जॉब रिक्वायर्ड एनर्जी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड रिलायबिलिटी। उनका काम तवानाई, कुव्वत, फुर्ती और भरोसामंदी का मुतालबा करता था। दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, मेक श्योर द विक्स वर ट्रिम्ड टू द राइट लेंथ, लाइट टेंस ऑफ लैम्प्स इन द इवनिंग एंड पुट देम ऑल आउट अगेन इन द मॉर्निंग। उन्होंने रोशनियों को साफ रखना होता था, यकीनी बनाना होता था कि फलीते दुरुस्त लंबाई तक कटे हुए हों। शाम के वक्त दसियों लैंपों को जलाना होता था और सुबह के वक्त उन सब को बुझाना होता था। मैनी लैंप लाइटर्स वर प्लीज टू बी गार्डियंस इन देयर कम्युनिटीज एंड ऑफन द जॉब वुड बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। बहुत से लैंप जलाने वाले अपनी आबादियों में मुहाफिजों की हैसियत हासिल करने पर खुश थे और अक्सर काम माँ बाप से बच्चे को मुंतकिल हो जाता। The lamp post of London were designed with a bar sticking out on either side at the top so that the lamp lighter could safely rest his ladder on them. London ke lamp ke khambon ki choti par dono taraf nikli hui ek salaak ke saath banaya gaya tha ke lamp jalane wale apni seedhi mehfooz andaaz mein un par tika sake. Lamp lighters moved quickly carrying their ladder and going up and down it hundreds of times a day. लैंप जलाने वाले अपनी सीढ़ी को उठाए हुए और दिन में सैकड़ों मरतबा उससे चढ़ते और उतरते हुए तेजी से हरकत करते। The lamp posts were decorated with the royal crest and were looked after carefully by the lamp lighters. लैंप के खंभों को शाही तर्स से सजाया जाता और लैंप जलाने वाले बड़ी तवज्जो से उनकी देखभाल करते। When gas lamps started to be used from 1805 onwards, they changed the work of the lamp lighters. 1805 के बाद से जब गैस लैंप इस्तेमाल होना शुरू हुए तो उन्होंने लैंप जलाने वालों का काम तब्दील कर दिया। The gas lamps were much quicker to light and didn't require lots of work like the oil lamps such as changing the smelly oil and replacing and trimming wicks. Gas ke lampon ko jalana zyada tez raftaar tha aur tel ke lampon ki tarah unhe bahut zyada kaam ki zarurat na thi jaisa ki badbudar tel ko tabdeel karna aur faliton ko tabdeel karna aur tarashna. Some of the lamp lighters felt their job wasn't the same anymore. Baz lamp jalane walon ko laga ki unka kaam pehle jaisa nahi raha. Charles Dickens captured this feeling in the story The Lamp Lighters when one character talks about the change from oil to gas lamps. चार्ल्स डिकन्स ने इस एहसास को अपनी कहानी बउनवान लैंप जलाने वाले में बयान किया है कि जब एक किरदार तेल के लैंपों से गैस के लैंपों की तरफ मुंतकिली के बारे में बात करता है।
आई फोरसी इन दिस द ब्रेकिंग अप ऑफ आवर प्रोफेशन, मुझे इसमें हमारे पेशे की तबाही नज़र आती है। देर इज़ नो मोर गोइंग द राउंड्स टू ट्रिम बाय डे लाइट, नो मोर ड्रिबलिंग डाउन ऑफ द ऑयल ऑन द हैट्स एंड बोनेट्स ऑफ द लेडीज एंड जेंटलमैन। वेन वन फील्स इन स्पिरिट एनी लो फेलो कैन लाइट अ गैस लैम्प। अब दिन के वक्त तराशने के लिए चक्कर नहीं लगाए जाते। हंसी मजाक का मूड तारी हो तो मर्दों और ख्वातीन के हैटों पर और सरपोशों पर तेल नहीं टपकाया जाता। कोई भी नीच सा इंसान गैस का लैंप जला सकता है। गैस लैंप्स वर बेटर देन ऑयल लैंप्स इन मैनी वेज। गैस के लैंप कई अतबार से तेल के लैंपों से बेहतर थे। ऑल्दो अ बिग इशू विद देम वाज दैट एवरी नाउ एंड अगेन वन वुड ब्लो अप। अगरचे उनके साथ एक बड़ा मसला ये था कि कभी कभार कोई एक फट जाया करता। ओवर टाइम गैस लैंप्स रिप्लेस्ड ऑयल लैंप्स। वक्त के साथ साथ गैस के लैंपों ने तेल के लैंपों की जगह ले ली। लेटर विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की ईजाद के साथ साथ गैस लैंप्स वर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक लैंप्स विच नाउ डोमिनेट मॉडर्न स्ट्रीट्स। बरकी लैंपों ने गैस के लैंपों की जगह ले ली जो कि अब जदीद गलियों पर गालिब हैं। टुडे देर आर स्टिल 1500 गैस लैंप्स इन लंदन। आज सिर्फ लंदन के अंदर 1500 गैस लैंप मौजूद हैं। 5 पीपल आर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट देम, उन्हें चलाने के लिए 5 अफराद मुलाजिम हैं। दे लाइट देम एवरी इवनिंग, वो उन्हें हर शाम जलाते हैं एंड पुट देम आउट विद एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह बाहर रख देते हैं। दीज लाइट्स आर केयरफुली लुक्ड आफ्टर बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सिटीज हिस्ट्री। इन रोशनियों की बड़ी एहतियात से देखभाल की जाती है क्योंकि वो शहर की तारीख का एक हिस्सा हैं। कैनसिंगटन पैलेस गार्डन्स इज द नेम ऑफ अ लॉन्ग एवेन्यू इन लंदन। लंदन में एक तवील गुजरगाह का नाम कैनसिंगटन पैलेस गार्डन्स है। इट इज लाइंड विद द ग्रैंड ओल्ड बिल्डिंग एंड इज लिट एंटायरली बाय गैस लैंप्स। इसके दोनों अतराफ आलीशान पुरानी इमारतें हैं और ये पूरी की पूरी गैस के लैंपों से रोशन की जाती है। देयर यू कैन इमेजिन व्हाट इट वुड हैव बीन लाइक इन लंदन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ल्स डिकेंस। वहाँ आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि चार्ल्स डिकेंस के वक्त में लंदन का माहौल कैसा होता होगा। क्लियर हॉर्सबर्ग राइटर हैं इस सबक के।